ये है वो स्पेशल फूल, पहले जटामासी, उसके बाद अतीस और फिर डोलो आर्चा। गोबर की लेकर के जा रहा हूँ नर्सरी डालने के लिए। इस प्रकार से कोट बाहर निकल रहा है। ये फूल मेरे गेट पे लग चुका है और ये फूल अब बढ़ाएगा। इस साल की मिनी नर्सरियाँ डाल दी हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल हिमराट कल्चर। दोस्तों सुबह के 8 बजे हैं और ड्यूटी पे जाने का समय हो गया है। फार्म हाउस में पहुंच गया हूं और हमारे जो एप्पल के पौधे हैं उनमें लगातार मौल्यार शुरू हो रहा है। देखिए लगातार मौल्यार शुरू है पौधों पे। यहां पर सबसे पहले का जो मेरा काम है, तो मैं यहां पे एक स्पेशल फूल लगाऊंगा जो कि मैंने परसों बाज़ार से ख़रीदा है। तो पता नहीं कौन सा है वो, गुलदावदी, गुल मोहर, पता नहीं कौन सा फूल है, मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत ही ख़ास फूल है जो कि मैं 100 रुपये में ख़रीद करके लाया था श्रीनगर से। ये है वो स्पेशल फूल, गुलमोहर या गुलदावदी कुछ भी हो सकता है, लेकिन है बड़ा लाजवाब फूल, स्पेशल देसी क्वालिटी का फूल। फूल को लगाने का काम शुरू करता हूँ। ये फूल लग चुका है मेरा गमले में और इसे अब मैं किसी अच्छे जगह पर रखूंगा, आगे गेट पे। स्पेशल फूल को लगाऊंगा मैं अपने गेट पर। आपको पता होगा इस फूल का नाम, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये फूल लग गया है मेरे गेट पे और ये फूल अब बढ़ाएगा मेरे गेट की शोभा। एक देसी फूल का पौधा लगा दिया है। अभी यहाँ पे काम अंडर प्रोसेस पे है, तो लगातार काम चल रहा है। अभी इस गेट पे काफ़ी सारे काम होने बाकी हैं क्योंकि इस पे रंग रोदन होगा, इस पे लिखाई होगी, तो अभी अंडर प्रोसेस है काम। तो धीरे धीरे हम अपने कामों को सुचारू रूप से यहाँ पे पूरा करेंगे। शाम के 1 बज गए हैं और अभी हूँ मैं अपनी नर्सरी में, जहाँ पर मैंने अतीस की नर्सरी डाली हुई है। तो आज भी मैं अतीस का तीसरा बैच यहाँ पे डालूंगा, तीसरी नर्सरी पड़ेगी अतीस की। तो उससे पहले मैं जो मैंने कल परसों अतीस की नर्सरी डाली हुई है, तो उसमें अभी पंप से पानी दूंगा और उसके बाद फिर नर्सरी डालेंगे। नई नर्सरी में काफ़ी सारी जड़ी बूटियों की मैं यहाँ पे नर्सरी डालने वाला हूँ, उसमें अतीस, डोलो, आर्चा और जटामासी प्रमुख हैं। अब ये क्यारी खाली है, तो इस क्यारी में मैं 3 किस्म का बीज डालूंगा, एक तरफ अतीस, एक तरफ डोलो आर्चा और एक तरफ जटामासी। इस वाली क्यारी में, इस क्यारी में बीज डालने से पहले मैं इस कंडी में गोबर भर के लाऊंगा। यहाँ पर आज मैं 3 किस्म की जड़ी बूटियों के बीज डालने वाला हूँ। तो बीज डालने से पहले मैं एक कंडी गोबर की भर के लाऊंगा नीचे, जहाँ पे गोबर कंपोस्ट बना हुआ है। तो चलते हैं गोबर लेने के लिए और गोबर की कंडी लेकर के आते हैं। यहाँ पर हमने कोट की फार्मिंग की है जो कि धीरे धीरे बाहर निकल रहा है और काफ़ी सारा हमारे यहाँ पे कोट बाहर निकल चुका है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से कोट बाहर निकल रहा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे कोट हमारा जम रखा है। यहाँ पे हमने खेती की है कोट की और ये धीरे धीरे बाहर निकल रहा है और कुछ ही दिन बाद ये पूरा बाहर निकल जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर हम साल की पहली गुड़ाई करेंगे।
यहाँ पर हमने कोट की भी खेती की है, ओपन खेती, और नर्सरी से निकाल करके हमने पौधे यहाँ पे लगाए थे, और पौधे ये पहले साल के हो गए हैं, और अभी विंटर सीजन के बाद ही धीरे धीरे अभी अप्रैल में बाहर निकलने शुरू हो गए हैं, कुछ ही दिन बाद यहाँ पे हरा भरा हो जाएगा। ये हैं वो गौशाले जहाँ पे हमने गोबर इकट्ठा किया हुआ है, यहाँ पर ये ऑर्गेनिक गोबर है, जिससे कि मैं आज एक कंडी गोबर लेके जाऊंगा, तो भरना स्टार्ट करते हैं। इस कंडी पे आराम से एक कंडी गोबर की लेकर के जा रहा हूँ नर्सरी डालने के लिए। यहाँ पर हमने ये दूसरा गौशाला है किसी मित्र का, और उनसे भी हमने ये गोबर लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर खेती लोगों ने छोड़ रखी है, और इस गोबर का भी हम अपने खेतों में, अपनी जड़ी बूटियों में, अपने फार्मिंग में अच्छा सदुपयोग करते हैं। हमारी ये कोशिश है कि यहाँ पे जितने भी गौशाले हैं कहीं का गोबर खराब न जाए। यहाँ पर मैंने तीन प्रकार की नर्सरियाँ डाल दी हैं, पहले जटामासी, उसके बाद अतीस, और फिर डोलो आर्चा। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे पॉलीथीन से। पूरी नर्सरी पैक्ड होगी है, और नर्सरी में जो भी बीज हमने बो रखा है सभी में टैग लग गए हैं। इसमें जटामासी 4/4/2024 को बुआई, और अतीस 4/4/2024, और डोलो आर्चा 4/4/2024, और ये पहले डाली थी अतीस की नर्सरी, और इससे पहले हमने एक और नर्सरी डाली थी 30/3/2024 को। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे नर्सरियाँ डाली हुई हैं जड़ी बूटियों की, और आज भी हमने ये वाली नर्सरी डाली, और ये अखरोट की नर्सरी भी काफ़ी पहले पड़ गई थी। तो यहाँ पे सिर्फ हमने नर्सरियाँ ही डाली हुई हैं, तो यहाँ पे ये कोट की नर्सरी डाली थी पिछले साल, इस साल की मिनी नर्सरियाँ डाल दी हैं, जिसका उपयोग हम खुद की जड़ी बूटी फार्मिंग में करेंगे। यहाँ से जो भी पौधे हमें प्राप्त होंगे तो उन पौधों को हम बरसात के सीज़न में अपने खेतों में लगाएंगे, और लगभग 5-10 नालियों में प्रत्येक जड़ी बूटी के पौधे हमारे लिए यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे हमने अतीस, कोट, डोलो आर्चा और जटामासी आदि की नर्सरी डाली हुई है। Thank you.
दोस्तों शाम के 5:30 बज गए हैं और आज के काम की छुट्टी करते हैं। आज सुबह से और अभी तक मैंने जो काम किए, तो सबसे पहले मैंने सुबह कुछ जड़ी बूटियों की नर्सरियाँ डाली, फिर अपने बगीचे में छोटे मोटे काम किए, तो यही काम करके आज का दिन मेरा व्यतीत हुआ है। दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल हिमराट कल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम अन्य विषय पर भी सुंदर सुंदर वीडियो बना करके आपका इंटरटेनमेंट कर सकें, आपका मोटिवेशन कर सकें। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।